नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज हम लोग देखेंगे POS बिलिंग सॉफ्टवेयर। POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल, जो हमारा किराने का स्टोर होता है या कपड़े का व्यापारी होते हैं उसमें काउंटर पे जो बारकोड से स्कैन करके कैसे सेल करते हैं उसके बारे में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि जिसके माध्यम से हम अपने बिल को कैसे जनरेट करेंगे या फिर बारकोड को कैसे प्रिंट करेंगे और बिल को कैसे जनरेट करेंगे। उसके बाद हम सेल रिटर्न भी उसमें देखेंगे कि POS काउंटर जो हमारा होता है उसमें हम सेल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बारकोड प्रिंट के बारे में देखते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपका है यहाँ पे उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं या फिर फ्रॉम टू जो परचेज का डेट है उसको आप डाल के आप सर्च कर सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है उस प्रोडक्ट को अगर बारकोड आपको बनाना है तो यहाँ पे जनरेट बारकोड पे आप चले जाइए। जैसे जनरेट बारकोड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अपना प्रोसेस होके आपके सामने बारकोड आ जाएगा जिसमें आप अपने मन के मुताबिक या फिर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बारकोड को आप लिया जा सकता है। जैसे A4 साइज में 48 स्टिकर, 2 इंच, 3 इंच, मल्टी टाइप्स के जो भी साइज के आपको बारकोड आपको चाहिए होगा उस साइज में आप बारकोड को आप ले सकते हैं। जैसे सपोज भाई यहाँ पर जो हमने डेट बिटवीन परचेज डेट के रूप में जो सर्च किया है यहाँ पर जितना भी परचेज है 1 तारीख से लेके 23 तारीख के बीच में जितने प्रोडक्ट हमारे परचेज किए गए हैं सारे प्रोडक्ट को हमने बारकोड जनरेट बटन पे क्लिक करके जनरेट किया है। जैसे नियर अबाउट 1000 प्रोडक्ट है, 2000 प्रोडक्ट है, 5000 प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को एक साथ में आप प्रिंट कर सकते हैं और अलग अलग साइज में भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर किसी के पास मात्र लेजर प्रिंटर है उस लेजर प्रिंटर पर भी आप A4 साइज के माध्यम से आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर किसी के पास थर्मल प्रिंटर है तो उस थर्मल प्रिंटर को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर सपोज भाई आपने 500 प्रोडक्ट परचेज किया है उस 500 प्रोडक्ट को भी एक साथ में अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 प्रोडक्ट को प्रिंट करने वाले हैं, बाटा सैंडल करके जो है सेम इसी प्रोडक्ट को जैसे हमें प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके जनरेट बारकोड बटन पे हमने क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये आ गया है। अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट का नेम के वाइस अगर आप सर्च करते हैं यहाँ पर हमने बाटा डाल दिया तो यहाँ पे बाटा सॉस और ये दोनों हैं। अगर आप जनरेट बटन पे क्लिक किए तो इस तरीके से आपके सामने ये देखिए बारकोड आ गया है। अगर आप इसको जूम करके मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, ऊपर MRP आ रहा है, यहाँ पर ब्रांड आ रहा है, डिजाइन है, बारकोड का यहाँ पे नंबर है, कंपनी का नेम है। तो बारकोड कैसे प्रिंट करते हैं मैंने आपको बता दिया। प्रोडक्ट के नेम सर्च वाइज, कैटेगरी वाइज या परचेज का जो डेट है उसके हिसाब से या परचेज का नंबर है उसके हिसाब से, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया ST-0001 करके डाला तो 0001 में जितना आपने परचेज किया रहेगा उसकी लिस्ट आ गई। इतने बारकोड को आप प्रिंट किया जा सकता है। और इसके बाद अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल करने के लिए आपको पॉइंट ऑफ सेल मतलब इस तरीके से आप स्कैन करिए। देखिए 50% का डिस्काउंट जो ऑफर लगा है यहाँ पर आपने ऑफर लगाया है। अगर आपने ऑफर लगाना है बाय वन गेट वन वगैरह का वो भी ऑफर लगा सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्रोडक्ट को स्कैन करिए, F2 को प्रेस करिए, पेमेंट करिए। जैसे 1500 रुपये हमने पेमेंट किया, 32 रुपया रिफंड आ गया और इंटर इंटर करते चले जाइए, सेव हो गया। मैं 3 बिल करूंगा आपको आसानी से ताकि समझ में आ जाए कि आप कैसे पॉइंट ऑफ सेल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर
स्कैन करिए। स्कैन हुआ, एड हुआ। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट बन रहा है, जैसे 1310 रुपए का, तो 1310 लगा के सेव कर दिए, यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए। इसमें 3 इंच थर्मल प्रिंटर वगैरह भी सपोर्ट करता है। अगर आप उधार लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी नंबर आप डाल के अगर इंटर करेंगे तो, अगर पहले से अगर है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो एड हो जाएगा। यहाँ पे फिर से हम स्कैन किए, इनका जैसे 616 रुपए का बिल बना है, तो यहाँ पे सेटल बटन पे जैसे हमने क्लिक किया तो 616 रुपए, अगर आप यहाँ पे उधारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 616 रुपए डाल दो। इस तरीके से सेव एज प्रिंट कर सकते हैं आप। रिपोर्ट अगर आप पॉइंट ऑफ सेल में अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से सेल रिपोर्ट है, व्यू कर लीजिए तो सेल रिपोर्ट आपका आ जाएगा कि कौन से डेट में कितना सेल हुआ, कितना कौन कौन सा कैश आया, कार्ड आया, रिटर्न हुआ, राइट ऑफ, कूपन, ये सब सारी हिस्ट्री आ जाएगा। कस्टमर पे करना चाहते हैं जो उधारी वाला, तो यहाँ पे उधारी वाला कस्टमर को भी पे किया जा सकता है। तो यहाँ से आप जैसे 1616 रुपए पड़ रहा है तो 616 रुपए अगर कोई पे कर रहा है, बोल रहा है हम गूगल पे से करेंगे, तो गूगल पे के माध्यम से QR कोड को जनरेट किया जा सकता है। यहाँ पे सेव बटन को आप क्लिक कर लीजिए। फिर से अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपका 1000 रुपया यहाँ पे डेबिट के रूप में दिख रहा है। सेल रिपोर्ट हो गया, यहाँ पे स्टॉक वगैरह भी देखा जा सकता है। और यहाँ पर 100 स्टॉक करेंगे तो इस तरीके से आपका पूरे स्टॉक का कितना क्या क्या प्राइस है, कितना परचेज अमाउंट है, सारी चीज। अगर इसको स्टॉक को एक्सेल में लेना चाहते हैं एक्सेल में ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए ट्यूटोरियल में।